नमस्कार दोस्तों वेलकम टू तो माय चैनल मैं हूं चांद जानकोबा दोस्तों हमारी एथिक्स की सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हुए नए टॉपिक पे आ गए हैं दैट इज डायमेंशन ऑफ एटीट्यूड इस टॉपिक में आगे बढ़ें उससे पहले मैं याद दिलवा दूं कि लास्ट वीडियो में हमने एटीट्यूड को डिफाइन किया था थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं हमने एटीट्यूड को डिफाइन करते हुए क्या कहा था तो तो कहा था एटीट्यूड इज अ फेवरेबल और अनफेवरेबल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया था और ये कहा था कि भाई देखिए एटीट्यूड के तीन सेगमेंट्स होते हैं तीन पार्ट्स होते हैं वन इज कॉग्नेटिव दैट इज नॉलेज सेकंड इज अफेक्टिव दैट इज फीलिंग पार्ट एंड थर्ड इज़ बिहेवियर यानी कि आपका व्यवहार और मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए आप सर्विस की तैयारी कर रहे हैं आई की तैयारी कर रहे हैं आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है आई सर्विस के लिए क्यों क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है दैट आई सर्विस इज वेरी गुड सर्विस रेब्युटेबल सर्विस दूसरा यू हैव लव फॉर दिस सर्विस सो फीलिंग पार्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड तीसरा बिहेवियर क्योंकि यू हैव पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव फीलिंग सो आपके बिहेवियर में भी दिखता है कि आप आइए सर्विस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इसी को एटीट्यूड कहा जाता है आज का जो टॉपिक है दैट इज डायमेंशन ऑफ एटीट्यूड डायमेंशन का मतलब क्या है सो so यहाँ पर डायमेंशन का मतलब है फेसेट्स ऑफ एटीट्यूड सो बेसिकली चार एटीट्यूड से जुड़े हुए पहलुओं को आज हम कवर करेंगे उन चारों एटीट्यूड से जुड़े हुए पहलुओं को कवर करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज आपने मेरे द्वारा भेजे गए फिल्म के क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया नहीं किया तो आप टेलीग्राम के इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं साथ ही में इंस्टा की साइड पे भी डेली बेसिस पे आपको रेलेवेंट कंटेंट यूपीएससी से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है आप उसका लाभ उठा सकते हैं बात करते हैं चार डायमेंशन की देखिए एक एक करके डिफाइन करेंगे विद एग्जाम्पल्स एंड विद एवरीथिंग नाउ सबसे पहले आता है एटीट्यूड स्ट्रेंथ दूसरा है एटीट्यूड एम्बीबेलेंस तीसरा है एटीट्यूड कंसिस्टेंसी चौथा है एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी एटीट्यूड एम्बी वेलेंस का मतलब क्या होता है एम्बी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट्री फीलिंग्स इन योर माइंड या कॉन्ट्राडिक्टी थॉट्स इन योर माइंड अब हम सब जानते हैं कि एटीट्यूड दो तरह के तो हमने पढ़े ही हैं या तो पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर नेगेटिव एटीट्यूड तीसरा है एम्बीवेलेंट एटीट्यूड एम्बीवेलेंट एटीट्यूड कब डेवलप होता है जब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए आपके मन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड दोनों होते हैं एट द सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो स्मोक करता है वो स्मोक करता है उसका उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है स्मोकिंग के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है क्योंकि उसमें प्लेजर मिलता है एट द सेम टाइम स्मोकिंग की जो जो सिगरेट की डिब्बी होती है उस पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है दैट स्मोकिंग कॉज डेथ अब उसको पता है कि स्मोक से मेरा जो हेल्थ को नुकसान हो रहा है इसलिए उसका स्मोकिंग के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड भी है अब क्योंकि दोनों एटीट्यूड एट द सेम टाइम है एक ही ऑब्जेक्ट के लिए एक ही पहलू के लिए सो यहाँ पर एटीट्यूड एम्बी आ जाती है चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं जी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम दिस कैन लीड टू अनसर्टेनिटी एंड इनकंसिस्टेंसी इन बिहेवियर बिकॉज द इंडिविजुअल फील स्टोन बिटवीन द कंफ्लिक्टिंग इवेलुएशन अब देखिए इनकंसिस्टेंसी इन बिहेवियर आ जाती है जब आप में, आपके मन में पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हावी होगा तो आप उस ऑब्जेक्ट कर स्मोकिंग करने कंटिन्यू करते हैं, so, जो होते हैं जो जब नेगेटिव एटीट्यूड होगा स्मोकर ने अपने बच्चे को आते हुए देख लिया उससे फील हुआ कि यार मैं अगर मर गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा नेगेटिव एटीट्यूड जो है स्मोकिंग के प्रति जो उसके मन में ऑलरेडी था वो अभावी हो गया तो हो सकता है वो स्मोकिंग ना करे उस टाइम पे नाउ इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं राइट right? सो so, यहां पे मैंने वो लिखे भी हैं राइट अ पर्सन हु इज फोन्ड ऑफ स्वीट्स अब स्वीट्स खाने वाले मान लीजिए स्वीट्स आपको पसंद है यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड स्वीट्स एट द सेम टाइम यू आर डायग्नोज विद डायबिटीज राइट सो अब पॉजिटिव एटीट्यूड है स्वीट्स पसंद है नेगेटिव एटीट्यूड हो गया क्योंकि डायग्नोज विद डायबिटीज अब यहां पर क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ हो गए यहां पर एम्बीविलेंस आ जाएगा इसी तरह से जो यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं मोबाइल यूज करते हैं मोबाइल में ये वीडियोस देखने को मिल जाती हैं पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल देखने को मिल जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड है एट द सेम टाइम जब आप दो तीन घंटे मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसके बाद एक गिल्ट फीलिंग आती है एंड आपको उस समय नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा होता है मोबाइल के लिए कि यार इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया अब क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड परसिस्ट करते हैं एक ही चीज के लिए एट द सेम टाइम कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है यहां पर हमें हमें देखने को मिलती है, है? है है है? है अब attitude ambivalence का 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 क्या क्या होता है? Attitude ambivalence का impact होता 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 सबसे पहला मतलब मतलब देखिए एक मेंटल डिस्कम्फर्ट फील होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट के प्रति हमारे मन में एक एम्बेलेंट एटीट्यूड होता है चाहे मैं यहां पर ले uh, स्मोकर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यूपीएससी स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले रहा हूं जब आप एक स्मोकर होते हैं स्मोकिंग करते हैं आपके मन में हमेशा एक 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 कंफ्यूजन सी बनी रहती है डिसकंफर्ट सा बना रहता है मेंटली कि स्मोक करूं के ना करूं स्मोक करूं के ना करूं देर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू इट राइट वहां पर हम इसे कोगनेटिव डिजोनेंस के नाम से जानते हैं सो कोगनेटिव डिजनेस यहां पे मैंने लिखा है क्या इट रेफर्स टू अ साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल हु हैज टू और मोर कॉन्ट्रोडिक्टी बिलीफ और आइडिया और एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सो यहां पर कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिखे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एनवायरनमेंट के फेवर में हैं आप यू आर वेरी मच लवर ऑफ एनवायरनमेंट सो यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट बट एट द सेम टाइम जो गाड़ी आप यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती है सो so यहां पर क्या होगा एक तरफ तो पॉजिटिव एटीट्यूड दूसरा बिकॉज वो पेट्रोल बहुत ज्यादा पी रही है स्मोक बहुत ज्यादा छोड़ रही है गाड़ी सो बेसिकली यू बिकम डिजनेंस राइट सो देर देर कम्स अ इन योर माइंड सिमिलरली कहता जी एन एम्प्लॉय ऑनेस्टी टू बी द बेस्ट वैल्यू बट एट द सेम टाइम क्यों ऑफिस में लेट आया वो उसे झूठ बोलना पड़ा सो so यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीजें हो गई राइट सो पर क्या होगा डिजोनेस आ जाएगा सो so, इंपैक्ट की हम बात कर रहे थे एमबीवेलेंट एटीट्यूड का जो इंपैक्ट है पहला होता है कॉम्नेटिव डिजोरेंस दूसरा होता है इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट ऑल्सो इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस एसोसिएटेड विद द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कैन कॉज इंटरनल कंफ्लिक्ट सो so, एक तरफ आपको कोई चीज़ स्वीट्स पस, uh, पसंद है एक तरफ राइट सो यू लाइक इट दूसरी तरफ आपको पता है कि स्वीट मेरे लिए खराब है हानिकारक है सो यू हेट इट सो एक फीलिंग के लेवल पे भी क्या होगा कन्फ्लिक्ट होगा कॉमुनेटिव डिजनेंस में हो गया नॉलेज के लेवल पे कंफ्लिक्ट मेंटल कन्फ्लिक्ट हो गया परेशान से हो जाते हैं फीलिंग के लेवल पे भी कन्फ्लिक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट एंड तीसरा बिहेवियरल अनसर्टेनिटी बिहेवियरल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि क्योंकि जो भी एटीट्यूड आप में हावी होगा उसी के बेसिस पे आप बिहेव करेंगे जब एक स्मोकर का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है स्मोकिंग की तरफ तो वो स्मोक कर लेगा लेकिन जब उसने कोई ऐसी चीज हो गई लेट्स से उसने अपने बेबी को आते हुए देख लिया अपने बच्चे को आते हुए देख लिया तब उसमें नेगेटिव एटीट्यूड हावी हो गया टुवर्ड्स स्मोकिंग वो नहीं करेगा सो देर इज अनसर्टेनिटी इन द बिहेवियर ऑल्सो आपने स्टूडेंट आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं है ना सो so, आपने देखा होगा आपने आप कोई, कि किसी दिन तो सारा दिन ही मोबाइल में बैठ के पढ़ लूंगा किसी दिन मोबाइल में लेट से दो घंटे वेस्ट हो गए अब आपके मन में ये फीलिंग आ गई जी अब मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा मोबाइल को सो एक दिन के लिए आप शायद छोड़ भी देते हो गए राइट सो यहाँ पे बिहेवियरल क्या हो गया बिहेवियरल अनसर्टेनिटी आ जाती है सो ये था पहला एस्पेक्ट क्या हमने एम्बीबेलेंस एटीट्यूड देखा अब हम बात कर लेते हैं इसी से लगभग मिलते जुलते दूसरे एस्पेक्ट की दैट इज एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी और एम्बीवलेंस एटीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं एटीट्यूड एम्बी में हमने कहा था कि एक ही चीज को कंफ्लिक्ट एटीट्यूड एक ही चीज को लेकर एटीट्यूड होते हैं एटीट्यूड मतलब क्या कि भाई स्मोकिंग पसंद भी है लेकिन उधर से इट कॉजेज डेथ सो यू लव इट एंड यू हेट इट एट द सेम टाइम राइट यू लव स्वीट्स बट यू हेट स्वीट्स एट द सेम टाइम सो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड ये कन्फ्लिक्ट में आ गए राइट right? एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो कि आपको उसे प्रेरित करता है लट्स स्वीट्स खाने के लिए प्रेरित करता है नेगेटिव एटीट्यूड है वो आपको स्वीट्स ना खाने के लिए प्रेरित करता है कंफ्लिक्टिंग हो गया बट व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीपल एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमें समझना होगा आप एक बात बताइए कि एक पर्टिकुलर लीडर है पॉलिटिकल लीडर है क्या उसकी आइडियोलॉजी ही सब कुछ होती है या फिर हम उसे जज करते हैं अलग अलग तरीके से फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पॉलिट हमारे प्रधानमंत्री की बात करें हम उनको अलग अलग तरीके से जज कर सकते हैं पहला उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दूसरा उनकी पर्सनैलिटी तीसरा उनका बोलने का तरीका चौथा वो जो बिहेवियर शो करते हैं पब्लिक में राइट right? नाउ एक प्रधानमंत्री के या एक पॉलिटिकल लीडर के मल्टीपल फेसेट हो सकते हैं आपको उस पर्सनैलिटी से जुड़े हुए कुछ फेसेट्स पसंद हो सकते हैं कुछ फेसेट्स हो सकते हैं नापसंद हो अब यहां पर हर फेसेट से जुड़ा हुआ आपका अलग अलग एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है एक ही पर्सन से लेकर राइट तो एक ही पर्सन से जुड़ा हुआ राइट right? उसी को हम एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी कह देते हैं थोड़ा सा समझते हैं कहते जी एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट एंड ऑफन अनरिलेटेड एटीट्यूड्स दैट एन इंडिविजुअल होल्ड टूवर्ड्स एंटिटी यहाँ पर मल्टीपल एटीट्यूड्स हैं जस्ट लाइक एम्बीवेलेंट एटीट्यूड यहाँ पर भी हमने क्या कहा मल्टीपल एटीट्यूड्स हैं बट दे आर डिस्टिंक्ट दे आर नॉट रिलेटेड दे आर नॉट इन कन्फ्लिक्ट आपको एक व्यक्ति एक एक्टर है उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लग सकती है सो पर्सनैलिटी को लेकर यू मस्ट हैव यू कैन हैव पॉजिटिव एटीट्यूड आपको उसकी से एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है यू कैन हैव पॉजिटिव एटीट्यूड लेकिन उसके बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम है क्योंकि वो पब्लिक में गालियां देता है वो पब्लिक में स्मोक करता है यू कैन हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज पर्सनैलिटी सो एट द सेम टाइम यू कैन हैव मल्टीपल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द सेम एंटिटी इसे हम मल्टीप्लेक्सिटी ऑफ एटीट्यूड कहेंगे एंड ये आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं खाते जनरली ये होता है राइट right? सो so, ये होता है जी मल्टीपल एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी कहते हैं जी दीज मल्टीपल एटीट्यूड्स मे नॉट नेसेसरली बी इन कन्फ्लिक्ट इन स्टेड दे रिप्रेज अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है दे रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन एंड बिलीफ अबाउट द एंटिटी सिर्फ यहां पर एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिलिटी जब आपके केस में आ जाती है तो इतना ही पता चलता है कि आप एक एंटिटी को सिर्फ एक नजरिए से एक चश्मे से जज नहीं करते हो यू हैव मल्टीपल परसेप्शंस टू सी एट द सेम ऑब्जेक्ट और टू लुक एट द सेम ऑब्जेक्ट सो यहां पर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी पता चलता है कि आपने किसी एंटिटी को जज किया जज करने के आपके हजार तरीके या चार तरीके से सिर्फ एक तरीका नहीं था उसे हम कहते हैं एटीट्यूड मल्टीप्लेक्सिटी सो वही एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम सो वी आर पॉजिटिव वी हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस टेक्नोलॉजी बिकॉज ये हमें बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं बट एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजी का एक कंसर्न भी है आपके माइंड में वो ये कि हमारी प्रिवसी एंड डेटा सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है सो so, आपने क्या कहा कि भाई टेक्नोलॉजी के चार फायदे हैं तो उसके लिए हमारे मन में चारों फायदों से जुड़ा हुआ पॉजिटिव एटीट्यूड लेकिन एक कंसर्न है आपके मन में टेक्नोलॉजी का दैट इज डेटा प्रेवसी या फिर आपका डेटा से जुड़ा हुआ सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाता है राइट right? सिमिलरली आपके बच्चा जो आपका लेट्स से यू यू हैव अ किड इट ही और शी गोज इन स्कूल राइट सो आप एज अ पेरेंट कहते हैं जी स्कूल बहुत अच्छा है स्कूल में टीचर बड़े अच्छे हैं कॉम्पिटिशन लेकिन है ना वो मुझे थोड़ी सी टेंशन देता है कि मेरे बच्चे के लिए कहीं खराब ना करे कॉम्पिटिशन सो यू हैव दिस पॉजिटिव एटीट्यूड द

वो उस पर्टिकुलर एंटिटी को मल्टीपल तरीकों से परसीव करता है उन्हें जज करता है दूसरा दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ अ बट अथिक ऑब्जेक्ट ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताता है दूसरा क्या है डाइवर्स इन्फ्लुएंस डाइवर्स इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कहता जी मल्टीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सिंगल एंटिटी मे बी इंफ्लुएंस बाय डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस और एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी सो बेसिकली आपके पास डाइवर्स इन्फॉर्मेशन आती है एक्टिंग अच्छी थी बोलने का तरीका अच्छा था पर्सनैलिटी अच्छी है स्मोकिंग नो गुड राइट सो मल्टीपल सोर्सेस से मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको आती है तीसरा कहता है जी बिहेवियरल आउटकम अब बिहेवियरल आउटकम क्या होगा कहता है जी दी बिहेवियर रिजल्टिंग रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल एटीट्यूड्स कैन बी मोर प्रिडिक्टेबल इफ वन एटीट्यूड इज स्ट्रॉगर देन अदर एंड इट कैन बी कॉम्प्लेक्स इफ एटीट्यूड्स है एग्जाम्पल यू लाइक प्राइम मिनिस्टर राइट यू लाइक हिज पर्सनैलिटीज नो बट देन ओनली वन थिंग यू डोट लाइक सो वट विल है इस चीज पे डिपेंड करेगा कि एटीट्यूड स्ट्रेंथ किसकी है ज्यादा है अगर आपकी वो जिस चीज को लेकर आपको प्रधानमंत्री लय से पसंद नहीं है उसको लेकर आपकी एटीट्यूड स्ट्रेंथ ज्यादा है यानी कि वो चीज में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो हो सकता है आप उनके लिए वोट ना करें लेकिन चार चीज़ें जो आपको उनकी पसंद हैं अगर उनमें से किसी की एटीट्यूड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हो सकता है आप उनके लिए वोट करें सवाल उठता है कि एटीट्यूड स्ट्रेंथ है क्या वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा चलिए एटीट्यूड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं एटीट्यूड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है एटीट्यूड स्ट्रेंथ का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी और इंटेंसिटी ऑफ एन एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको चार चीज़ें खाने में पसंद हैं उन चारों में एक पिज्ज़ा हो गया एक बर्गर हो गया एक छोले भटूरे हो गया राइट एंड सरसों का साग एंड मक्खी की रोटी हो गया अब ये चारों चीजों का आपसे ऑप्शन दिया जाता है चारों ही पसंद है लेकिन मुंह में पानी भी आ गया होगा राइट सो चारों ही पसंद है लेकिन चारों में से खाओगे क्या जिसके प्रति सबसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आप चूज कर लोगे कि यार आज ये खाने का मन है क्यों क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड उस पर्टिकुलर चीज को लेकर है इसी तरीके से जो सबसे ज्यादा आपको नापसंद है चीजें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इन चार नापसंद चीज़ों में से से आपको करेले पसंद नहीं है आपको बैंगन पसंद नहीं है लौकी पसंद नहीं है एंड एक आदि चीज़ और पसंद नहीं आपसे मम्मी ने पूछा कि क्या खाओगे अब इनमें से जो सबसे कम नापसंद चीज़ है यानी कि जहाँ पर एटीट्यूड स्ट्रेंथ सबसे वीक है आप वो चीज़ को खाने के लिए चुन लोगे एटीट्यूड स्ट्रेंथ इसी को कहते हैं यानी कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसका इंपैक्ट कितना है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसे हम कहते हैं एटीट्यूड स्ट्रेंथ नाउ कहते जी इट्स अ कंसेप्ट ऑफ विच एक्सप्लोर हाउ स्ट्रोंगली एन एटीट्यूड इज हेल्ड एंड एक्सटेंट टू विच इट रिस्ट्रेन टू चेंज सो बेसिकली इट इज रेजिस्टेंट टू चेंज जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा उस एटीट्यूड को बदलना आपको एक पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है दूसरी पार्टी वाला वो पार्टी से व्यक्ति आके आपको जितना मर्जी समझाता रहे आप उसके लिए वोट नहीं डालोगे एक एक पार्टी बहुत ज्यादा पसंद है दूसरी पार्टी वाला आके आपको जितना मर्जी मनाता रहे अब वो आप नहीं मानोगे आप उसी पार्टी के लिए वोट डालोगे सो so स्ट्रोंग जितना होता है एटीट्यूड उतना वो रेजिस्टेंट टू चेंज होता है कहता जी

उनके लिए आपका एटीट्यूड क्या है आप कहो जी मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन प्रेसिडेंट है मैं तो जानता भी नहीं सो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव फिर मैंने आपसे पूछा अच्छा अपनी सर्विस प्रेफरेंस बताओ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो सर्विस प्रेफरेंस बताओ आपने कहा जी नंबर वन पे है आई नंबर टू पे है लेट से आई एंड नंबर थ्री पे क्या है आई राइट इंडियन फॉरन एफ फॉरन सर्विस राइट So, यहां पर क्या हो गया सबसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है आई के लिए है दूसरे नंबर पे आईपीएस आ जाता है सो मॉडरेटली पॉजिटिव एटीट्यूड है स्लाइटली पॉजिटिव इंडियन फॉरेन सर्विसेज की भाई ये दोनों नहीं तो ये ले लेंगे ठीक है इसी तरह से आपसे नेगेटिव के लिए पूछ लिया जाए सो so मैंने आपसे अभी एग्जाम्पल दिया था सो so आपको खाने में क्या पसंद है तो आपने मेरे को कहा जी नंबर पे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, say, ब्रिंजल बिल्कुल पसंद पसंद नहीं नहीं है है से फिर करेला थोड़ा सा उससे कम ना पसंद है एंड लौकी उससे कम ना पसंद है तो इन तीनों में से ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या कहोगे जी मैं ये ले लू सो स्ट्रेंथ बताता है कि भाई आपका एक्शन कैसा होगा बिहेवियर कैसा होगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड स्ट्रेंथ क्या होते हैं सबसे पहला ये होता है कि भाई जितना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड उतना रेजिस्टेंस टू चेंज ज्यादा होगा जितना वीक एटीट्यूड

राइट right? क्यों क्योंकि आपको पसंद नहीं है फिर कहते है जी इंपैक्टफुल एंड इंफ्लुएंशियल द इन्फ्लुएंस दे कैन इन्फ्लुएंस जजमेंट एंड बिहेवियर इवन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सो एटीट्यूड जो है वो आपका इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को ठीक है जी चलिए अब कहते हैं जी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड स्ट्रेंथ कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग बनता है या फिर वीक बनता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ये जान लेते हैं सबसे पहले कहता है जी डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपका अगर किसी चीज़ से लेकर डायरेक्ट एक्सपीरियंस है फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए रेस्टोरों में गए वहाँ पर सबसे पहले ही आपके साथ बहुत ही बुरे तरीके से बर्ताव किया गया स्टाफ के द्वारा फिर खाना आया वो बहुत ही ज्यादा बुरा था आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया आप जब क्योंकि डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके आ रहे हो तो यहां पर जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई नेगेटिव या वेरी हाई नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा अगली बारी कोई आपको फ्री में भी कहीं खाना खाने के लिए उस रेस्टोरेंट में तो आप नहीं जाओगे फिर दूसरा क्या है इमोशनल कनेक्ट Emotional connect का मतलब क्या है कि भाई आपका जितना ज्यादा इमोशनल कनेक्ट होगा किसी चीज के साथ उतना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड डेवलप होगा आप किसी चीज को दिल से नफरत करते हो बहुत ज्यादा नफरत करते हो उतना ही नेगेटिव एटीट्यूड किसी चीज को आप दिल से चाहते हो बहुत ज्यादा पसंद करते हो लेट्स से आई के सर्विस को आप चाहते हो तो वेरी स्ट्रॉन्ग जो है पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा राइट सो इमोशनल कनेक्ट भी यहां पर वेरी करता है तीसरा क्या है रिपीटेड रिपीटेड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में एक मैं अपना देता हूं मुझे एप्पल खाना पसंद नहीं है राइट right? बट मेरे घर में रोज इसे कंज्यूम किया जाता है मेरी मदर को आदत है कि भाई जैसे ही फादर के लिए वो एप्पल काट रही हैं शी विल ऑफर मी ऑल्सो डेली बेसिस पे मैंने कहना शुरू कर दिया जी मुझे एप्पल पसंद नहीं है मुझे एप्पल पसंद नहीं है मुझे एप्पल पसंद नहीं है राइट right? आज की डेट में इतना ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है आई I मीन mean, इतना ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड हो चुका है कि मुझे एप्पल अगर दिख भी जाता है तो मैं वहाँ से उस दुकान पर जाना भी अवॉइड करता हूँ कि यार एप्पल है रहना तो नहीं जाना सो दिस इज हाउ रिपीटेड एक्सप्रेशन ऑफ द एटीट्यूड मेक्स इट मोर पावरफुल राइट फिर क्या आ जाता है रेलिवेंस एंड इम्पोर्टेंट राइट रेलिवेंस एंड इम्पोर्टेंट कैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब यहाँ पर आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड भी है यू लाइक सम पार्टी यू डिसक समी बट ए द सेम टाइम यू हैव दिस एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज ऑल्सो बिकॉज दिस इज योर करियर टाइम अब आपको यह कहा गया कि भाई अपनी पढ़ाई छोड़कर आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जिसे पसंद करते हो उसके लिए चार घंटे दिन में निकालना शुरू कर दो आप कहो जी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह है करियर अपनी जगह है पॉलिटिकल पार्टी पसंद है ठीक है लेकिन करियर मुझे ज्यादा पसंद है सो जो चीज मेरे लिए ज्यादा रेलिवेंट है उसके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड होगा जो चीज इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है इस टाइम पे उसके लिए कम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या फिर इसी तरह से नेगेटिव एटीट्यूड भी होगा नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन कहते जी एटीट्यूड बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस वेयर द इंडिविजुअल हैज मोर इन्फॉर्मेशन आर यूजली स्ट्रोंगर कहीं पे मैंने चलते फिरते सुन लिया कि यार वो वाला जो शॉप है वहाँ पे मत जाना वहाँ पे स्टाफ अच्छा नहीं है वहाँ पे मुझे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन है बट देन नेगेटिव एटीट्यूड यहाँ पर जो बनेगा जो हल्की हियर से इन्फॉर्मेशन पे बेसिस पे वो क्वाइट वीक होगा हो सकता है कि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उस दुकान पर चला भी गया लेकिन अगर मैंने कहीं पढ़ा नेगेटिव रिव्यू पढ़ लिया गूगल पे मैंने नेगेटिव रिव्यू पढ़ लिए एक नहीं दस नेगेटिव रिव्यू पढ़ लिए अब मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यार ये नेगेटिव रिव्यूज़ हैं अब मेरा जो नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा उस पर्टिकुलर शॉप के खिलाफ वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो मॉडरेटली स्ट्रांग होगा या फिर उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है अगर मैंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई वहां पर सर्विस अच्छी नहीं सो दिस इज़ हाउ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो Tells you कि आपकी एटीट्यूड स्ट्रेंथ कितनी होगी आखिरी हो कि आ जाती है, क्या होता है हमने कहा था जी हमारी नॉलेज एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर हमारी नॉलेज कैसी उसे हम कॉग्नेटिव कह रहे हैं इफेक्टिव हमारी फीलिंग आ जाती है एंड बिहेवियर क्या होता है हमारा एक्शन है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर अब कहता है जी एटीट्यूड कंसिस्टेंसी क्या होता है कहता है एटीट्यूड कंसिस्टेंसी मीन वॉट कि इन तीनों में कितनी कितनी है है इन तीनों में कितनी है? थोड़ा सा आपको से समझ आएगा सो so बेसिकली जब आपका सी ए बी तीनों कंसिस्टेंट होते हैं थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको चीजें समझ आ जाएंगी आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ना पसंद करते हो आपको पता है कि दे आर नॉट वर्थ इट सो so, नॉलेज है दैट दे आर नॉट हेल्पिंग इंडिया यू हेट दैट पोलिटिकल पार्टी एंड बिहेवियर में भी दिखेगा दैट यू डोंट वोट फॉर दैट पोलिटिकल पार्टी सो नेगेटिव 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 इन्फॉर्मेशन है दैट दे आर नॉट वर्थ इट फॉर इंडिया यू हेट दैम अगेन नेगेटिव फीलिंग आ गया एंड बिहेवियर में यू डोंट वोट दैम यू लाइक सम वन यू हैव गुड फीलिंग फॉर सम वन यू वर्क इन फेवर ऑफ दैम राइट सो लेट्स ए यू लाइक सम वन यू नो दैट सामने वाला अच्छा आदमी है सामने वाले ने रात को बारह बजे आपको फ़ोन करके कहा कि मुझे मदद की जरूरत है यू विल गो टू हेल्प दैट पर्सन सो अगर दोनों ही एग्जाम्पल्स में देखें आपका सी यानी कि कॉग्नेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो गया एफेक्टिव पार्ट पॉजिटिव हो गया एंड बिहेवियर पार्ट पॉजिटिव हो गया वहीं पे जो मैंने पॉलिटिकल पार्टी वाला एग्जांपल लिया था नॉलेज भी पॉजिटिव नेगेटिव है बिहेवियर भी एंड फीलिंग भी नेगेटिव है सो so, तीनों में कंसिस्टेंसी होगा यहां पर हमें तीनों में कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है दूसरा कई कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें सी एंड ए में कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी बट देन बिहेवियर इज नॉट कंसिस्टेंट विद दिस राइट फॉर एग्जांपल यहां पर बाहुबली मूवी का हम एग्जांपल लें कटप्पा को भल्लाल देव का पता था दैट ही इज नॉट अ गुड गाय ही हेटेड हिम बट ही डिड नॉट किल हिम राइट सो ही ऑलवेज इवन प्रोटेक्टेड हिम सो यहां पर एंड इफेक्टिव जो नेगेटिव थे बिहेवियर पॉजिटिव था राइट right? इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई घर का रिश्तेदार आपकी कोई बुआ या कोई मासी है जो आपको इतने ज्यादा पसंद नहीं है या कोई अंकल है जो आपको इतने ज्यादा पसंद नहीं है यू हेट एंड यू नो कि उनका काम लड़ाई करवाना ही है राइट right? बट जब वो घर में आते हैं क्या आप उनको आने पे लड़ते हो नहीं उल्टा आप तो स्माइल करके उनके साथ नमस्ते करते हो उनको क्योंकि अगेन दिस इज आ, आपके संस्कारों की वजह से और वट एवर बट देन अगेन यहां पर शो करता है कि जो एटीट्यूड के तीन पार्ट्स हैं उन तीन में यहां पर सिर्फ दो में कंसिस्टेंसी है तीसरे में कंसिस्टेंसी नहीं है तीसरा क्या है जब तीनों में कंसिस्टेंसी ना हो जब ऑल थ्री आर इनकंसिस्टेंट ये सिचुएशंस भी हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल अब यहां पर मैंने शोले मूवी का एग्जाम्पल लिया बसंती को पता था कि वीरू एक नंबर का प्याकड़ है ड्रंकर्ड है राइट सो दर नेगेटिव फीलिंग फॉर वीरू बट देव दै गवियर कैसा था so, जब बसंती में डोमिनेट करता था नेगेटिव पार्ट शी वु इग्नोर हिम बट जब उसमें डोमिनेट करता था पॉजिटिव यानी कि हार्ट की फीलिंग जब निकल कर आ जाती थी शी वु टॉक टू हिम सो बेसिकली क्या हो गया यहां पर तीनों चीजें इनकन्सिस्टेंट हो गई तीनों चीजों में आपस में कोई मेल जोल नहीं है बसंती को पता है दैट ही इज नॉट अ गुड पर्सन या ड्रंकर्ड है बट शी ही हिम और बिहेवियर में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा यहाँ पर हावी होगा उसके बेसिस पे उसका बिहेवियर हो जाएगा सो so, ये है एटीट्यूड कंसिस्टेंसी सो इस आज हमने यहाँ पे ये तीनों टॉपिक्स आई मीन चारों डायमेंशन को डिस्कस किया मुझे उम्मीद है ये चारों डायमेंशन आपको समझ आए होंगे अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगले सेशन में मिलेंगे टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।